देश के आप क्या सकते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं एक एक करके जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखने का काम किया उसको संविधान करने का काम किया और आरएसएस का जो झंडा है उसको लागू करने का काम किया। 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी बनाया आप लोग याद होंगे आपके नेता आदरणीय लालू जी ने सब कुछ आप लोगों के बीच रखा था उसको ये एहसास हो गया था और आप लोगों के बीच आपको हमेशा कहते थे ये देश की आवाम को फैसला लेना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही थी देश हमारा एक रहेगा या अकेला झूठ बोल करके लोगों को साजिश रच करके लोग सत्ता में आ गए लेकिन आज जो हमारा देश का संविधान है उसको बदलने की बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं लट्टूराम गोडसे उसकी पूजा हो रही है तो हमारा देश सबका देश है हमारे देश की एक खूबसूरती है अलग अलग धर्म है अलग अलग जात है अलग अलग पहनावा है अलग अलग खान पान है दिखने में अलग अलग है भाषाएं अलग अलग है तभी हमारा ये देश हमारा मुल्क भारत महान कहलाता है यही हमारी संस्कृति है लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता और ये बात जान ले मुल्क और मां मुल्क और मां बदले नहीं जाते और मां जो है अपने बच्चों को बेदखल नहीं करती ये बात आज देश जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है आर्थिक मंदी है आप बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पर देख लो नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं आज स्टेशन की हालत को देख लीजिए डिग्री लेकर के जो है ट्रेनों पर चले हुए स्टेशन पे एक दिन जो है पांव रखने की जगह नहीं है लोग जो है बेरोजगार किए जा रहे हैं लगभग पूरे देश में 4 करोड़ रोजगार कम हुए और इस तरह का जो एसपीआई का जो सर्वे आया है हमारे देश में किसान पे बात नहीं होती महंगाई पे बात नहीं हो रही रोजगार पे बात नहीं हो रही विकास की बात नहीं हो रही अमन की बात नहीं हो रही कुछ बीजेपी मंच के मीडिया है